फोर्थ प्रॉपर्टी, हमने तीन प्रॉपर्टी अभी तक डिस्कस की। कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जीरो होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द सर्फेस होना चाहिए, जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होता है थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर कॉन्स्टेंट होना चाहिए, और उसकी वही वैल्यू होती है जो उसकी सर्फेस पर होती है। ठीक, तीन पॉइंट कवर। अगला डिस्कशन आता है, अगर मैं बात करूँ कि जो कंडक्टर का इंटीरियर है, पहली बात तो एक बात समझो कि कोई भी बॉडी आप बनाओ, चाहे वो कंडक्टिंग हो, उसमें इक्वल नंबर ऑफ प्लस और माइनस होता है, तो वो न्यूट्रल मानी जाती है। ठीक है ना, न्यूट्रल कंडक्टर में इक्वल पॉजिटिव और नेगेटिव होगा, उसके वॉल्यूम के अंदर प्लस माइनस बराबर होंगे। लेकिन जब आप बोलते हैं कंडक्टर चार्ज किया है, तो उसमें कुछ तो एक्सेस चार्ज दिया होगा ना। कंडक्टर के केस में एक्सेस चार्ज, एक सिंपल सी बात है, इनसाइड द कंडक्टर एक्सेस चार्ज कैन नॉट रिसाइड। एनी एक्सेस चार्ज, क्यों, एक्सेस चार्ज ही प्लस और माइनस डिसाइड करेगा। एनी एक्सेस चार्ज ऑन कंडक्टर मस्ट रिसाइड एट द सर्फेस। ओके, एनी चार्ज इनसाइड द कंडक्टर मस्ट रिसाइड एट द सर्फेस ऑफ कंडक्टर। पहला पॉइंट याद रखो अच्छे से, एक्सेस, क्योंकि ये प्लस माइनस डिसाइड करेगा। भाई एक बात बोलो ना, कंडक्टर है या कोई बॉडी अगर न्यूट्रल है तो प्लस और माइनस बराबर होते हैं। एक्सेस का मतलब क्या होता है सर? अब आपने बॉडी को चार्ज दिया, या तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा दे दिए या एक तरीके से प्लस ज़्यादा कर दिया। इनका कहना है चार्ज अंदर नहीं रह सकता है, जो भी आप चार्ज दोगे वो सरफेस पे ही आता है। सर इसका मतलब क्या हुआ, आप अच्छे से देखो, एक काम करो, और एक बात और ध्यान रखना, ये डिस्कशन जो आया है ये सीधे आपका गॉस लॉ से आया है। ये गॉस लॉ का ही एक तरीके से स्टेटमेंट है, गॉस लॉ को सपोर्ट करती है बहुत है। तो सर सिंपल सा था, सर इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम गॉस लॉ। सही, गॉस लॉ का एक तरीके से बिल्कुल जैसे बोलते हैं पुख्ता, जो गॉस ने बोला उसको सपोर्ट करती बात है। ठीक है, डिराइव्ड फ्रॉम गॉस लॉ। अब बात आई सर मीनिंग क्या है, तो आप अच्छे से देखो, आप एक कंडक्टर सोचो, यहाँ पे आपने कंडक्टर लिया। ठीक, अब आप एक काम करो, इस कंडक्टर के अंदर एक कैविटी बनाइए, है ना। कैविटी में अभी शुरू में ऐसे राउंड ले लेता हूँ, जरूर नहीं राउंड लें, कैसी भी सरफेस लेते सब चलता। अब आप अच्छे से देखो कैविटी का मतलब क्या होता है। ये जो जगह है जो मैंने लाइट ग्रीन से दिखाई है सर, यहाँ तो सर मीट ऑफ कंडक्टर, यहाँ तो कंडक्टर है सर, है ना, सॉलिड पार्ट है। लेकिन बीच में जो हिंदी में एक वर्ड यूज़ करते हैं खोखला, खाली पार्ट है, एम्प्टी पार्ट आपका, ये कैविटी आ गई। क्लियर, ये पॉइंट समझ में आता है? यस सर, क्लियर। अब एक बात सोचो कि कंडक्टर को मैं 10 बार बता चुका हूँ कि भाई कंडक्टर के अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन हैं, चार्ज कैरियर्स हैं, वो जो इधर उधर भाग सकते हैं। मैंने क्या किया, इसको ओपन करके इसके अंदर एक एक्सेस चार्ज, ओके, क्यू रख दिया। एक्सेस चार्ज क्या होगा सर? एक तरीके से आपने अंदर एक ऐसी बॉडी रख दी जो पॉजिटिवली चार्ज थी, एक तरीके से आपने इस पूरे सेटअप से चार्ज क्यू देने के लिए एक तरीके से आपने एन इलेक्ट्रॉन्स रिमूव किए होंगे कैविटी के अंदर। एन इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करके आपने ये पार्ट जनरेट कर दिया। क्लियर, अब जरा बताओ क्या ये क्यू कुछ फील्ड देगा? यस सर, क्यू फील्ड देगा। सर इसकी फील्ड कैसी होगी? पॉजिटिव चार्ज की फील्ड तो सर सबको अच्छे से रटी हुई है। कैसी होती है सर? रेडली आउटवर्ड। ये फील्ड बेटा यहाँ पड़े हुए अंदर जो वॉल्यूम में इलेक्ट्रॉन्स पड़े होंगे क्या उनको छोड़ेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड होगी, तो यहाँ पड़े हुए इलेक्ट्रॉन्स के अंदर खींच लिए जाएंगे क्यू ई के अकॉर्डिंग। इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड होगी तो इलेक्ट्रॉन्स अंदर की तरफ चलेंगे। सर इस वॉल्यूम से एकदम से भगदड़ मच जाएगी और अंदर की तरफ आपका एक तरीके से माइनस चार्ज यहाँ पर एक्युमुलेट होना शुरू हो जाएगा। सो ये माइनस एक्युमुलेट ही होता रहेगा। सर मुझे नहीं पता ये माइनस कितना है, जो नहीं पता उसको एक्स मान लीजिए। अब एक बात बताओ, अगर ये माइनस चार्ज आया होगा तो ये सब सिंपल सा है, माइग्रेशन क्लियर है ना? माइग्रेशन कैसा हुआ सर? यहाँ वाले अंदर आ गए तो सरफेस वाले यहाँ पहुँच गए, यहाँ पे फिर से न्यूट्रलिटी मिल गई। सर सरफेस वाले एक तरीके से सोच लो सरफेस वाले इलेक्ट्रॉन्स ही अंदर आए थे, ऐसे मान लो। अब अगर ध्यान से देखो, अंदर माइनस आ गया है तो बाहर क्या होगा?
तो आप बोलोगे सर सीधी सी बात है, न्यूट्रल बॉडी है तो बाहर तो पक्की बात है सर एक्स चार्ज ही आना चाहिए। तो आप तो कह रहे थे सर एक्सेस चार्ज इतना होता है सरफेस पर आता है, सर एक्सेस चार्ज कितना है क्यू, तुमने कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे रिमूव किए थे तो वो तुम्हारा एक्सेस चार्ज प्लस क्यू का आया, अब यहाँ पे एक्स आया। अब एक काम करो, इसके अंदर एक गॉसियन सरफेस सोचो, ये जगह दिख रही है बेटा, मैंने रेड एक क्लोज वॉल्यूम बनाया, ऐसे बना दो, दिखता है अपने इसको मार्क करके लिख दिया सही, ये हमारा क्लोज सरफेस। क्लोज सरफेस को क्या बोलते हैं हम लोग, गॉस ने सोचा था, गॉस के लॉ के लिए यूज होता है, तो गॉसियन सरफेस। क्लियर? अब जरा एक बात बताओ सिंपल सा, किसी क्लोज सरफेस से पास करने वाला फ्लक्स कितना होता है? सर क्लोज सरफेस से पास करने वाला फ्लक्स तो डिपेंड करता है उसने अंदर कितना चार्ज बंद किया डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब अंदर चार्ज कितना है, क्यू पॉजिटिव एक्स नेगेटिव डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। बढ़िया आंसर, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक बात बता, क्लोज सरफेस से पास करने वाला फ्लक्स टेक्निकली ई डॉट डी एस भी तो लिख सकते हो। ये जो तुमने रेड सरफेस ली है, ये जो तुमने रेड सरफेस ली है, इसकी एक इस रेड सरफेस के लिए अगर आप अच्छे से देखो सर, क्या कहीं पर भी क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगी? सर होगी। अरे कैसी बात कर रहे हो, कंडक्टर है ना, कंडक्टर के अंदर इक्विलिब्रियम में यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, देखो गायब ही हो गई ना, तुमने बनाई भी और तब भी गायब हो गई। अब इलेक्ट्रिक फील्ड सर यहाँ पर नहीं है। अब ये रेड सरफेस की अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो मुझे बताना, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो हो गई तो क्या जीरो आ गया? सब फील्ड ही नहीं तो फ्लक्स का है बात का, तो ये वैल्यू क्यू माइनस एक्स डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट आ गई, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे, क्यू। आपने पहले ही मान लिया था कि नेगेटिव चार्ज है, तो इस कैविटी के अगर ध्यान से देखो तो अंदर जब तुमने चार्ज क्यू बंद किया तो अंदर वाली सरफेस पे जो कैविटी के अंदर है वो माइनस क्यू आ गया, और जो आपकी आउटर सरफेस थी दिख रही है उस आउटर सरफेस पे चार्ज कितना हो गया, तो आपका आंसर सिंपल सा प्लस क्यू। तो आपने अंदर कितना चार्ज इंक्लोज किया, क्यू, तो वो सारा का सारा चार्ज सरफेस पे आ गया। अगर मैं आपको कहीं पर भी क्वेश्चंस दूं बड़े अच्छे से बेसिक बेसिक से डिस्कशन, मैं आपको कंसेंट्रिक शेल्स बना के दे दूं, ये आपने एक सॉलिड स्फीयर लिया, इसके चारों तरफ आपने एक शेल बनाया है ना, शेल कैसा थिन बनाते हैं ऐसा ना, ऐसे बना दो, दिख रहा है, ये आप ऐसे बना दीजिए, और एक इसके चारों तरफ एक शेल और बना दी, सर कितने शेल बनाए, बस इतने बहुत है। अब आपने ये जो अंदर वाली सरफेस ली थी ये सर एक कंडक्टर था, यस सर, ये जो आपने दूसरी सरफेस ली थी सर ये भी एक कंडक्टर था, यस सर, ये भी एक कंडक्टर था, क्लियर है। और ये जो बाहर थिन शेल लिया है ना बिल्कुल पतला सा, सर ये सेकेंड लेयर है सर वो भी एक कंडक्टर है, सर जो थर्ड लेयर वो भी एक कंडक्टर है, तो आपने क्या किया, जे अंदर वाले शेल की रेडियस ए मान ली, इसकी रेडियस बी मान ली, इसकी आउटर रेडियस कितनी मान ली, सी मान ली, और जो सबसे बाहर आ रहा है उसकी रेडियस आपने डी मान ली। अब आपको क्लियर है ना चार्ज कितना देना है? तो सर ये तो तीन लोग हैं, एक अंदर वाला ग्रीन सॉलिड, एक येलो शेल थिक शेल, और एक आपके पास है, तो टोटल कितने फेसेस हुए, एक ये हुआ, दो, तीन, चार। अब आप एक काम करो, जो अंदर वाला शेल है जो स्फेयर है उस पर आप एक चार्ज क्यू दे दीजिए, क्लियर? इसके लिए तो क्लियर है ना चार्ज कहाँ पे आएगा, सर क्यू आ गया। अब मुझे आप बताइए वन पे टू पे थ्री पे फोर पे सिग्मा की वैल्यू क्या हो, सर क्यू के सामने क्या आएगा? तो फिर से देखो, अगर आप ये जो येलो शेल लिया है, येलो के अंदर वाली सरफेस पे चार्ज कितना आएगा जिसकी रेडियस भी है, तो माइनस क्यू आएगा डिवाइड बाय फोर पाई बी स्क्वायर, सॉरी ये आपका अगर अंदर वाले के लिए बात करें तो क्यू डिवाइड बाय फोर पाई ए स्क्वायर। ये क्यू किस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, ए सरफेस पे, एक के स्क्वायर पे। सिग्मा टू बताना कितना होगा, ये वाली सरफेस पे कितना चार्ज आएगा, तो सिंपल सा कंडक्टर के अंदर अगर आप कैविटी में क्यू रखोगे तो अभी थोड़ी देर पहले प्रूव किया था क्यू के सामने माइनस क्यू आएगा ना, तो इस सरफेस पे चार्ज कितना हो जाएगा, तो आपका आंसर जाएगा माइनस क्यू बाय फोर पाई बी स्क्वायर। ये सरफेस न्यूट्रल थी, याद है ना, ये सरफेस न्यूट्रल थी, तो अंदर अगर माइनस क्यू आ गया तो बाहर कितना आएगा, प्लस क्यू, तो चार्जेस एक बार लिखो तो सही, इसके सामने कितना आएगा माइनस क्यू, सामने कितना आएगा प्लस क्यू, इसके सामने कितना आएगा माइनस क्यू, और बाहर कितना आ गया प्लस क्यू। तो एक बात बताओ, जो बाहर की दुनिया में बैठा होगा उसको एक्सेस चार्ज कितना दिख रहा हो, उसको तो ये दिख रहा है ना सारा चार्ज प्लस क्यू आ गया,
तुम अंदर अगर प्लस क्यू नहीं रखते तो यहाँ माइनस क्यू नहीं आता, यहाँ प्लस क्यू नहीं आता, यहाँ माइनस क्यू नहीं आता, बाहर प्लस क्यू नहीं आता। अब सोचो अंदर तुम अगर माइनस क्यू रख दो तो ये क्या हो जाएगा, अंदर माइनस क्यू तो ये प्लस क्यू, ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू, बाहर माइनस क्यू आ गया ना। सर सारा एक्सेस चार्ज आपका कहाँ पर रिसाइड करेगा, सरफेस से। बताओ सिग्मा थ्री कितना होगा, जो रेडियस सी का है उस पर चार्ज कितना आएगा, प्लस। तो प्लस के हिसाब से आंसर आ जाएगा प्लस क्यू डिवाइड बाय 4πc². और जो सबसे बाहर आया उस पर चार्ज क्यू, तो क्यू डिवाइड बाय 4πd². क्लियर। तो आपका एक बात पक्की है कि सर जब भी आप कंडक्टर की बात करोगे तो एक्सेस चार्ज हमेशा कहाँ रिसाइड करेगा, सरफेस पे। क्लियर। कोई भी क्वेश्चन आएगा आपका कंडक्टर के केस में सारा चार्ज आपका सरफेस पे ही रिसाइड करना चाहिए। तो फोर्थ प्रॉपर्टी क्लियर, एक बार रिवाइज करा देता हूँ। फर्स्ट प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर जीरो होनी चाहिए। सेकंड प्रॉपर्टी आपको क्या बताया, इलेक्ट्रिक फील्ड टेंजेंशियल डायरेक्शन में नहीं होगी, नॉर्मल होनी चाहिए। थर्ड, इक्विपोटेंशियल रीजन होता है। और फोर्थ मैंने आपको बताया, जो भी चार्ज आएगा गॉस लॉ के अकॉर्डिंग, अंदर फील्ड जीरो तो अंदर फ्लक्स जीरो, फ्लक्स जीरो तो चार्ज इनक्लोज जीरो, चार्ज इनक्लोज जीरो मतलब जो भी चार्ज होगा वो आएगा सरफेस पे। क्लियर। किसी और तरीके से समझना चाहो तो एक और मेथड भी है भाई, देखो हुआ क्या होगा, समझो अगर तुमने एक कंडक्टिंग बॉडी ली, इसे समझो, शायद यहाँ से एक और बात समझ में आ जाए। भाई मैंने क्या किया, अंदर कैविटी ज़रूरी नहीं बच्चे, आप ऐसे ले, आप रेगुलर सरफेस ले लें। हाँ बस ये बात पक्की है, ये जो आपने जगह पकड़ी है इसमें आपका पूरे में अच्छे से कंडक्टर है, कंडक्टिंग वॉल्यूम है, बीच में बस जगह खाली है। ठीक दिख रहा है, ये आपके पास कंडक्टिंग वॉल्यूम आ गया, ऐसे दिख रहा है। ये पार्ट को आप चाहें तो थोड़ा सा रब कर दो। अब मुझे एक बात बताओ, मैंने दोनों सरफेस इरेगुलर ले ली, अब अंदर बताओ बच्चे अगर मैं माइनस चार्ज रख दूँ, सब माइनस चार्ज रख दूँ, सर यहाँ माइनस क्यू रख दिया, अब बताओ ये माइनस क्यू क्या करेगा, ये माइनस जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे इसके वॉल्यूम में सब इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, रिपेल करेगा, माइनस माइनस माइनस। तो अब सारे इलेक्ट्रॉन्स किधर भागेंगे, सब बाहर भागेंगे, बाहर भागते क्या हमेशा भागते रहेंगे, सर यही तो नहीं होता है, इक्विलिब्रियम में यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी ना, तो इलेक्ट्रॉन जितने थे भाग भाग के कहाँ पहुँच गए, सरफेस पे आ गए। मैं पूछूँ सरफेस पे चार्ज कितना होगा, सर सरफेस पे अगर इलेक्ट्रॉन जा चुके हैं तो मैं चार्ज मान लेता हूँ कितना होगा, बोलो तो आप बोलोगे सर सिंपली एक्स मान लेते हैं। अब ऐसे सोचो कि अगर तुमने इलेक्ट्रॉन्स बाहर की तरफ धक्का दिए होंगे इनर वॉल्यूम से यहाँ से, तो ये सरफेस कैसी हो गई होगी, सर ये वाली सरफेस प्लस एक्स आ जाएगा, भाई वो कंडक्टर है तो न्यूट्रल ही ना। अब आपको पता है कि मैं अगर इसमें गॉसियन सरफेस बनाऊं तो सबको समझ में आता है कि अगर ये गॉसियन सरफेस है तो टोटल इसके अंदर इंक्लोज चार्ज क्या होना चाहिए, जीरो। टोटल इंक्लोज चार्ज बोलो कितना है, सर टोटल चार्ज आप ही ने तो लिखा, माइनस क्यू प्लस एक्स डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट जीरो होना चाहिए, तो फिर से एक्स किसके इक्वल हो गया, क्यू के इक्वल। तो एक तरीके से बाहर जो आप अंदर कैविटी में बंद करोगे वही सर माइनस पहुँच गया आपका सरफेस पर, ये कोई डाउट तो नहीं इसमें, पक्की बात है। Any excess charge on conductor must reside at the surface of Gauss surface. It is derived from Gauss law. Under field zero, flux zero. So, सारा charge surface.